हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग। आप लोगों का स्वागत है एक और नई ब्लॉग वीडियो में। और अभी देखिए हम लोग छत पे हैं। ये देखिए मेरा घर का छत का नज़ारा कुछ इस प्रकार का है। और यहाँ पे देखिए हम लोग चूल्हा है, लकड़ी लकड़ी से खाना बनाते हैं इसी पर। इधर लकड़ी रखा हुआ है। और ये हम लोग गाँव का सीन देखिए कुछ इस तरह से है। तो गाइज अभी हम बर्तन साफ कर रहे हैं, देख सकते हैं आप लोग। तो गाइस इसे भी देख सकते हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं। सेहत को अच्छा रखने के लिए एक्सरसाइज करना पड़ता है। सो गाइस देखिए प्रतिभा जी सब्जी काट रही है। ये देखिए करेली काट रही है सब्जी में। आज सब्जी बनेगा करेली का। और इधर चावल चढ़ा दिए और इधर दाल चढ़ा दिए। बन रहा है चावल और दाल और करेली का सब्जी। सो गाइज अभी हम आए हैं नीम का दतवन तोड़ने के लिए। ये देखिए यहाँ पे कोई नीम का पेड़ काटा हुआ है, तो यहाँ बहुत सारे दतवन है, आप लोग देख सकते हैं। ये देखिए, तो चलिए दतवन को तोड़ते हैं। ये देखिए बहुत मस्त मस्त है। ये देखिए हम दतवन को तोड़ लिए दोस्तों, और चलिए इसको मुँह धोते हैं इससे। सो गाइज मुँह धो लिए हैं और बाल भी झाड़ लिए हैं और भूख भी लग गया है, तो चलिए देखते हैं कि खाना बना कि नहीं। और टाइम भी हो गया है, तो चलिए देखते हैं। तो चलिए खाना बना। खाना बन गया है, खाना बन गया है गाइज। और अभी करेली बन रहा है, चावल बन गया है, दाल भी बन गया है और करेले भी भुंजा रहा है। सो गाइज खाना पीना खा लिए हैं और अभी यहाँ पर बैठे हुए हैं क्योंकि बाहर बहुत धूप है। सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक बाहर निकलना मुश्किल हो गया है, बहुत ज़्यादा धूप है। तो अभी यहीं बैठे हुए हैं खाना पीना खा करके। सो गाइज अभी शाम का समय हो रहा है और हम आप लोगों के लिए जा रहे हैं सत्तू घोड़ने के लिए। ये देखिए यहाँ पे सत्तू निकाल के रखे हैं और ये एक छोटा सा प्याज ले लिए हैं, चाकू ले लिए हैं और इसमें घोड़ेंगे। और ये ठंडा पानी ले लिए हैं एक बोतल। मेरे पास सिर्फ प्याज है, अब अगर आप लोगों के पास हरा मिर्च है तो ले सकते हैं और नींबू ले सकते हैं। तो मेरे पास सिर्फ प्याज है, तो चलिए प्याज को काटते हैं, उसके बाद सत्तू को घोरते हैं और आप लोगों को पिलाते हैं, तो बने रहें। तो प्याज हम काट लिए दोस्तों छोटा छोटा करके। चलिए थोड़ा सा इसमें पानी डालते हैं, ठंडा पानी। बस इतना ही डालेंगे और इसमें सत्तू डालते हैं। तो सत्तू डाल दिए दोस्तों और थोड़ा सा इसमें नमक डालेंगे, उसके बाद इसको घोरेंगे। तो चलिए इसमें नमक डालते हैं थोड़ा सा। तो ये है दोस्तों नमक, चलिए इसमें डालते हैं और अब इसको घोरते हैं हाथ से। अच्छा तरह से मिक्स करना है इसको, उसके बाद पीने लायक हो जाएगा। तो ये देखिए दोस्तों घोर लिए सत्तू को, अब चलिए इसको आप लोगों को देते हैं पीने के लिए। तो दोस्तों इस ब्लॉग में बस इतना ही है। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।